लोकस नगर के कंटेनमेंट एरिया में लिए गए 14 सैंपल, करीब 28 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना शेष। बीएमओ डॉक्टर साकेवार ने दी जानकारी। बीते रोज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद वार्ड नंबर 2 को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया गया था और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 237 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है वार्ड में, साथ ही 14 सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए। डॉक्टर शाकवर ने बताया कि 28 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। वहीं पूरे वार्ड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मास्क का वितरण भी करवाया गया, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। घर घर अपने कर्मचारियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई, उसमें 237 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसमें कोई भी इस प्रकार का संदिग्ध नहीं मिला। और जो कॉन्टेक्ट लोग थे, जिस परिवार में जो पॉजिटिव केस निकले और दूसरा जो ड्राइवर उनको ले गया था, उनके पूरे ड्राइवर के घर वालों के सैंपल और जो जिनके घर में पॉजिटिव केस निकले थे उनके सैंपल सभी मिला के उस एरिया से 14 सैंपल लिए गए हैं, तो जांच के लिए भेजे गए। और किस तरीके की एहतियात बरते जाएंगे? अब ये है, उसमें एहतियात यही बरते जा रहे हैं कि उन लोगों को घर से बाहर नहीं, मतलब पूरे एरिया के किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और होम क्वारंटाइन किया गया है उन लोगों को। अभी तक डॉक्टर साहब कितने लोगों की जांच आना शेष है? अभी करीब 28 सैंपल की जांच आना शेष है। आज मास्क वगैरह भी वहां डिस्ट्रीब्यूट किया? हाँ, मैंने वहां अपने कर्मचारियों द्वारा पूरे जितना कंटेनमेंट एरिया था उनमें सभी को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाए और उनको लगवाए भी।